हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइस, चलिए नए दिन की शुरुआत अपने फ्रेश ब्लॉग के साथ हम लोग करते हैं। गाइस, सुबह से ऐसा डेली का ये रूटीन रहता है कि बस सुबह उठ के अपनी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह प्रिपेयर करना, हस्बैंड के लिए करना, क्योंकि सभी लोग सुबह में जाते हैं। बस बेटू तो आ गई है, अभी हैरी आने वाला है, उसके बाद 1:30 बजे हस्बैंड आ जाते हैं, फिर दिन का खाना। बस सुबह बहुत ही टाइट शेड्यूल रहता है हमारा। गाइज, आज यहाँ का मौसम भी बहुत बहुत अच्छा है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये गाइज, आज पूरे बादल बादल से ऐसा लगता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है, तो उमस सी हो रही है सुबह से। ये हमारी सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, बहुत अच्छी और पीसफुल जगह है ये। छोटी सी बालकनी मेरी। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती गाइज यहाँ पर कि आप कुछ भी कितनी भी केयर करो प्लांट्स की फिर भी, लेकिन अभी बारिश के मौसम में फिर से अच्छे हो जाएंगे। बारिश हल्की हो रही है, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आज लगता है कि बारिश होगी यहाँ पर। बस सुबह की पूजा हो चुकी है, जो कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड करके जाते हैं। बस थोड़ा बहुत फिर मैं उसके बाद कर लेती हूँ। ये आप भी भगवान जी के दर्शन करिए। गोभी और पनीर की सब्जी, दाल अभी बस स्टार्ट किया हुआ है। अभी अभी जब सुबह में हैरी घर पे नहीं होता है तो घर एकदम सूना सूना सा लगने लगता है, तो जब हैरी आ जाएगा तभी घर की रौनक बढ़ती है। गाइज, आज 6-7 दिन बाद काम वाली भी आ गई, तो काफ़ी रिलैक्सिंग सुबह से लगा। बाकी कल तक बहुत हौच पौच सा हो रहा था। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सो गाइज, जैसे कि आप लोगों ने सेकेंड ब्लॉग में देखा था कि हम लोग स्टेशनरी नहीं ले पाए थे क्योंकि उस दिन मार्केट बंद हो गया था। मेरा भी क्लास का ऑफ था और पापा भी आज जल्दी आ गए ऑफिस से, तो इसलिए हम दोनों आज स्टेशनरी लेने जा रहे हैं। सो गाइज, अभी आज हम जा रहे हैं एंड आज तो हम डे टाइम में जा रहे हैं, कल तो हम इवनिंग में गए थे। आज मैं पापा के साथ जा रही हूँ। पापा कुछ बोलो ना। यस, यही कहना चाहूँगा कि शोभा पांडे ब्लॉग्स को थोड़ा सा प्रमोट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार दीजिए। आप ही लोगों के प्यार से नई नई वीडियो ये लोग बनाएंगे। गाइज, ये व्यू देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, बट अब लग रहा है कि यू नो हम लोग को कार में आना चाहिए था, बट हम आ गए स्कूटर में। आज जिस जगह एक्चुअली हमें काम है, वहाँ कार पार्किंग का काफ़ी इशू है ना, तो मैं सोच भी, मतलब पापा ऐसा बोल भी रहे थे कि कार में चलते हैं, बट इशू है बहुत उधर पार्किंग का। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट काम करने। सबसे पहला तो यही काम है कि मेरी स्टेशनरी लेनी है। स्टेशनरी में तो मेरी कुछ बुक्स हैं जो लेना हमें रह गया था। गाइस, मतलब आज मुझे इतना वो लग रहा है ना कि कहीं आज हम भीगते हुए ना आए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बारिश का मौसम बना हुआ है। अभी यहाँ तो तब भी क्लाउड्स वाइट है, जिस एरिया से अभी हम निकले हैं वहाँ तो इतने ब्लैक कलर के क्लाउड्स, एकदम काले बादल थे कि अभी मतलब लग रहा था कि 15 मिनट में तो बारिश बहुत तगड़ी वाली होने वाली है, बट यहाँ तो तब भी मौसम ठीक लग रहा है। और आज हम ऐसे अम्ब्रेला भी भूल गए अपने घर से, तो वो भी हमें बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं अगर हम गलती से भी थोड़ी बहुत बारिश पड़ने लग गई तो हम पूरे भीगते हुए आएंगे। गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। ये मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे बहुत सारी टाइप की वैरायटीज़ मिलती हैं और जो रेट्स हैं वो भी होलसेल रेट्स में मिलते हैं। बहुत सारे मतलब ये मार्केट जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ सारी चीज़ें मिलेंगी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड, एक्सेसरीज, कवर्स एंड ऑल। गाइस, मैं अभी मैं आपको ले आया हूँ एक्सेसरी शॉप पर, तो वो चेक कर रही है कौन सा मोबाइल होल्डर या ट्राइपॉड कौन सा बेस्ट रहेगा, चेक कर। एंड बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारी अनलिमिटेड शॉप्स हैं इसमें, डिफरेंट टाइप का गैजेट्स, डिफरेंट टाइप की वैरायटी, चीप आपका महंगी सस्ती सब तरह की वैरायटीज है यहाँ पर। बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आपको दिखाता हूँ इस मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत सारी शॉप्स हैं इसमें, बहुत बड़ा अंदर तक गलियों गलियों के अंदर काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के सब कुछ मिलती है यहाँ पर।
ओके गाइस, अभी अगली बार देखते हैं कौन सा उसको पसंद आता है, देखते हैं अभी। सो गाइस, फाइनली हमारा ट्राईपॉड तो हमने ले लिया है। ये आंटी ने हमें बहुत अच्छे ट्राईपॉड दिखाए और उसमें से एक हमें बहुत अच्छा लगा। ताकि आपको बिल्कुल इसका अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। आंटी की शॉप का नाम है लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स। सो गाइस, अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ से ट्राईपॉड या कोई भी एक्सेसरी ले सकते हैं। सो गाइस, अभी हम निकल चुके हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने अभी ट्राईपॉड ले लिया है एंड अभी बहुत ट्रैफिक है। इतना ट्रैफिक हो रहा है, ये एक्चुअली ओल्ड सिटी है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। सो गाइज, अभी हम स्टेशनरी की शॉप के बाहर भी आ गए हैं। तो देखते हैं हमें क्या लेना है। अभी हमें लेना तो काफ़ी कुछ है, तो चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं अंदर ही। ये शॉप बहुत ही अच्छी है। इस शॉप का नाम राज डिस्ट्रीब्यूटर्स है। यहाँ स्टेशनरी के सारे आइटम्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं। एंड जिसको भी यहाँ आना हो, प्लीज़ आइए, अच्छी शॉप है बहुत। इनका यहाँ इंस्टाग्राम पे एक पेज भी है, राज डिस्ट्रीब्यूटर्स। सब होलसेल रेट में बहुत अच्छा अच्छा आपको आइटम मिलेगा। यहाँ शॉपिंग करने के बाद हमें गिफ्ट भी मिला है। आपको यह शॉप में बहुत अच्छा लगेगा, सारे आइटम्स मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ ज़रूर विज़िट करिए, राज डिस्ट्रीब्यूटर। सो गाइस, मैं फाइनली घर पहुँच गई हूँ। ये मम्मा की चीज़ें आई हैं, मैं आपको उनकी अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगी, बट वो चीज़ होगी कल के वीडियो में, क्योंकि आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। गाइस, आज ऐसा था कि दो दिन पहले मेरे पैर में थोड़ी सी हल्की चोट लग गई थी, तो मुझे आज कुछ मन नहीं लग रहा था, तो इन लोगों ने ज़्यादा ब्लॉगिंग की है, इसलिए मैं कम मिलूंगी आज आपसे। बट गाइस, नेक्स्ट ब्लॉग भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग काफी अच्छी अच्छी चीजें लाए, उनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अरे क्या करना है बेटा, सबको बताओ। लाइक करना है, यस। शेयर करना है, यस। लाल कलर बटन को थूक।